सर पे चोट कैसे आई? ये सब क्या है? देखो तो। अरे बुनिया, जाओ जाकर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ जल्दी। नानी आराम से करो। हाँ बेटा। हम पूछे सब हुआ कैसे? मॉम, ये सब कुछ है ना डैड की दूसरी वाइफ की बेटियों ने किया है। भाई काका। हाँ डैड। ये सब पहला ही था जी। हम पूछ रहे हैं रंजू के फैमिली के बारे में कैसे पता चला? वो एक्चुअली गुड्डू जी मम्मी से ना गलती से बात निकल गई थी तो मुझे बच्चों को सच बताना पड़ा। हम पूछ रहे हैं कॉलेज में क्या हुआ? होना क्या है डैड, उन्हें पता नहीं कैसे पता चल गया कि हम आपके बेटे, तो आकर हमसे उलझने लगी। वो तो हमने लड़की सोचकर हाथ नहीं उठाया पर उन्होंने हम पे हाथ भी उठाया और हमारी बाइक को धक्का भी दे दिया। बाबा को, ये लड़की लोग है कि जंगली बिल्ली? इतने सारे दया नहीं है मन में, क्या हाल किया बच्चा लोग का। लाली, हम ना अभी पुलिस बुलाता है हाँ, और ना बहुत कड़क FIR करता है और फिर ना जंगली बिल्ली को ना जेल भेजता है। हाँ डैड, हमें उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करवाना है। FIR करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तक जिंदा है, हमें मालूम है हमें क्या करना है। तुम लोग अपना ध्यान रखो, हम उनसे निपट कर आते हैं। नहीं, गुड्डू जी सुनिए, गुड्डू जी रुक जाइए, आपको मेरी कसम गुड्डू जी, आप वहां नहीं जाएंगे, कुछ भी हो जाए आप नहीं जाएंगे, आपने हमसे वादा किया था आप वहां नहीं जाएंगे, बस। पानी सर के ऊपर से हो गया है, अगर हम वहां नहीं जाएंगे तो ये रोज का खेल हो जाएगा। हम पूरी जिंदगी इस दर्द के साथ रहे कि आपका एक बीता हुआ कल है जिसका हिस्सा हम नहीं है। हम वो बीते हुए कल को आज नहीं बनने देंगे गुड्डू जी। इससे तो हम आज आ रहे हैं, हम नहीं चाहते कि हमारा कल हमारा आज बच जाए। इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे बेटों पर हाथ उठाने की, ये पूछना पड़ेगा ना। कुछ भी हो जाए गुड्डू जी, उसने अपने बच्चों कैसी परवरिश दी उसकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं है। हम हमारे बच्चों को समझा देंगे कि उन लड़कियों से दूर रहे, वो नहीं मिलेंगे, हमारे बच्चे हमारी बात मान लेंगे। गुड्डू जी जब से सब कुछ दोबारा शुरू हुआ परेशान हो गए, हमें रात को नींद नहीं आती, अजीब अजीब सपने आते। गुड्डू जी आप नहीं जाएंगे वहां पे? गुड्डू जी ललिता जी, अरे क्या हुआ? आप नहीं ललिता जी, मॉम लाली, मॉम आप ठीक तो है कि नहीं? मॉम आप चलिए, आप मॉम आप कमरे में चलिए, आइए आइए, आपको आराम की सख्त जरूरत है। जामाई बाबू, जामाई बाबू ऊपर तो ले ना, इसका तबीयत खराब है ना, हमारा कमरे में ले जाइए नीचे। अरे बुनिया पानी लाओ, पानी पीजिए, अपना ख्याल रखें। हम तो आराम से ही जीना चाहते हैं गुरु जी, बस आप अपना वादा रखिए, बच्चों को हम समझा देंगे, वो तो सब कुछ भूल जाएंगे। पर अगर आप वहां गए तो हम नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, आप बस अपनी तबीयत और खराब मत कीजिए, आराम कीजिए। गुड्डू जी आप वहां नहीं जाएंगे। बाबा, आज तो जैसे तैसे करके मैंने गुड्डू जी को रोक लिया, पर हम हमेशा थोड़ी ना ऐसे कर पाएंगे।
अरे लाली आप छोड़ो भी, जो हो गया सो हो गया। मम्मी प्लीज, आपको एफआईआर की बात करने की क्या जरूरत थी? बच्चों को तो हम समझा देते, पर आपको कौन समझाएगा? अब हमें सच सच बताओ कि क्या हुआ था? मॉम, हम तो शालू से डैड की इंसल्ट का बदला लेना चाहते थे। हमें बहुत ही मजा आ रहा था उसका इंसल्ट करने में, लेकिन पता नहीं कहाँ से उसकी वो पहलवान बहन बुलबुली आ गई। और फिर मॉम, चाहे तो हम भी जवाब दे सकते थे, लेकिन लोगों ने हमें पकड़ लिया। आज के बाद तुम दोनों पापा के सामने सब बातें नहीं करोगे। जो भी कहना है मुझसे कहोगे, मैं अपने तरीके से सब कुछ हैंडल करूंगी। मम्मी एक बात बताइए, इंसान सबसे ज्यादा किस बात से टूटता है? उसका जिंदगी और खाना पर जब आफत आ जाए। और ये आफत तब आती कि जब उसके पास पैसे ना हो, राइट? शुद्धि, एकदम शुद्धि। बस जब उसके पेट पे लात पड़ेगी तो वो इस शहर को पीठ दिखाकर भाग जाएगी। माँ चलिए ना, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हुआ सालू? आप बैठिए। जो स्कूटी के एक्सीडेंट की बात बताई थी ना, वो सच नहीं है माँ। I'm so sorry। तो फिर सच का है शालू? बुलबुलिया को चोट कैसे लगी? क्योंकि आपकी बुलबुलिया ने कॉलेज में दो लड़कों की पिटाई की है। फालतू में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। कितने बार तुम्हें समझाया, नहीं समझ में आता है? माँ हम फालतू की लड़ाई नहीं किए हैं, वो शालू दीदी के रिश्ते की बात को लेकर मजाक उड़ा रहे थे, उन्हें छेड़ रहे थे वो, ऐसे में हम चुप कैसे रहते? एक बात बताओ हमको, शालू के रिश्ते की बात चली थी, ये बात कॉलेज में कैसे पता चली? वो है ना बच्चू पांडे का बेटा विशेष, उसी ने बताया होगा। मिल गया। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? अरे दीदी वो हमारा टूल बॉक्स है ना, बस स्क्रू ड्राइवर नहीं मिल रहा था, बस उसे खोज रहे थे। अच्छा बुलबुलिया दीदी, क्या आपके कॉलेज में भी गुल्लू जैसे बदमाश लड़के हैं? गुल्लू जैसे? कॉलेज के वो लकी विकी के आगे गुल्लू तो बच्चा है टिया। देखो बच्चों, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन हमें बात को नजरअंदाज करना है तब तक जब तक बात हमारे आत्मसम्मान पर ना आ जाए। और आत्मसम्मान के लिए खड़े होने का मतलब ये नहीं कि हम किसी को चोट पहुंच जाए। इंसान के संस्कार बताते हैं कि उसकी परवरिश कैसे हुई है, और उसकी परवरिश ये बताती है कि उसका परिवार कैसा है। हमें अपने परिवार, हमारे संस्कार और परवरिश पर पूरा नाज है। बहुत घमंड है ना उसे अपने बच्चों की परवरिश पर। हम उसके रिश्तों के सारे धागे ही तोड़ देंगे। मां वो कहते हैं ना, साम दाम दंड भी। बस यही चारों दाव अपनाने हमें, और यही परवरिश दी है मैंने तुम्हें। तरीका चाहे कोई भी हो, नतीजा तुम्हारी फेवर में होना चाहिए। अगर हमारा तरीका सही है तो देर भले ही लग जाए, लेकिन नतीजे अच्छे ही आएंगे। आज तक यही सिखाया हमने तुमको। अगर चाहते हो कि दुनिया तुम्हें सर उठाकर देखे तो तुम्हें लगातार अपना कद बढ़ाना होगा। देखो बेटिया, कद बड़ा होने से सब कुछ नहीं, तुम सबको अपना किरदार ही बड़ा करना है, तभी दुनिया हमें इज्जत की नजर से देखेगी। अगर लड़ाई जीतनी हो तो सामने वालों को कमजोर साबित करो, फिर चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। ये दुनिया सिर्फ जीतने वालों को सर पे बिठाती है। तुम्हें हर लड़ाई अच्छे से लड़नी है, फिर उसमें या तो तुम जीतोगे या सीखोगे, लेकिन हारोगे कभी भी नहीं।